आपल्या मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून मोठा त्यांना दिलासा मिळतो आहे. आज पण हाजी अली ते आपण ह्या वर्ळी जवळपास 2.2 म्हणजे 2.5 किलोमीटर पोचतो आहे. आता त्यामुळे आता एअरपोर्ट आणि बांद्रा या साईडला लवकर जाणं सोपं होईल. आणि त्याचबरोबर इथं जे आहे हा सीलिंगला जोडणारा जो हा रस्ता आहे तो रस्ता देखील 2 आठवड्यात 3 आठवड्यात होईल कम्प्लीट. म्हणजे पूर्णपणे हा कोस्टल जो आहे हा सीलिंगला जोडला जाईल. सीलिंगला जोडला गेल्यामुळे पूर्णपणे वाहतुकीतून मोठा दिलासा मुंबईकरांना मिळेल. आणि म्हणून आपण जसा एक एक फेज होतो आहे टप्पा तो न थांबवता उद्घाटनासाठी ते लोकांना खुला करतो आहे, जेणेकरून तेवढा तेवढा भाग जो आहे हा लोकांच्या रहदारीसाठी खुला होतो आहे. त्यामुळे ट्रॅफिकमधून त्यांची वाहतूक कोंडीतून सुटका होती आहे. त्यामुळे हा कोस्टल हायवे जो आहे हा कोस्टल हायवे टप्प्याटप्प्याने आपण खुला करत चाललेलो आहे. आता 3 आठवड्यामध्ये सीलिंगला पोचल्यानंतर आणखी मोठा दिलासा मुंबईकरांना मिळणार आहे. आणि नवीन एक जे आता जसं नरीमन पॉईंटची आपली हे आहे चौपाटी तशी इथे आपण करतोय. पूर्णपणे जो प्रोमिनाड जो आहे हा किती किलोमीटर आहे, 7.5 किलोमीटरचा एक मोठा स्ट्रेच जो आहे हा चौपाटीसारखा लोकांना त्याचाही आनंद घेता येईल. त्या बाजूला गार्डन होईल, मध्ये मेडियनमध्ये गार्डन होईल. आणि आपण जो हा आहे आपला रेसकोर्स आहे, रेसकोर्सचं 120 एकरचं जे सेंट्रल पार्क आहे, मुंबई सेंट्रल पार्क इंटरनॅशनल लेवलचं करतो वर्ल्ड क्लास, ते देखील आपण सबवेच्या माध्यमातून याला जोडतोय. म्हणजे जवळपास 300 एकराचं मोठं सेंट्रल पार्क मुंबईकरांना वापरायला मिळेल. हा फार मोठा प्रकल्प होणार आहे. हो बिलकुल. आणि तो बिंदू माधव चौकच्या पुढे आलोय, आपण पुढे गेलोय, त्यामुळे 400 मीटर पुढे आलेलो आहे. आणि हा रस्ता झाल्यानंतर हे सगळे स्पॉट आहेत हे सगळे बायपास होणार, त्यामुळे सरळ माणूस जाईल इथून डायरेक्ट सीलिंग वरून एअरपोर्ट. हा पूल बांधावा जोडावा म्हणून तसे प्रयत्न करतायत, तसे परवाच्या विधान परिषदेसाठी सुद्धा तुम्ही पूल बांधताय, काय बायपासच्या ह्याच्यामध्ये होणार आहे त्या पूल बांधणीच्या कामात? सिलिकॉन थेट मरीन ड्राईव्ह म्हणजे वर्ळीला वळसा घालून जावं लागतं आता डायरेक्ट थेट, त्यामुळे तो पूल बांधला जाईल व्यवस्थित आणि त्याच्यामध्ये काही मध्ये अडथळे नाही आहेत, ते तो डायरेक्ट जोडला जाईल. आणि जसं आमच्या लोकांना अपेक्षित स्पीड आहे गाडीचा विजयाचा म्हणेन मी. सर हिंदी में बता दीजिए आज कोस्टल रोड की रिव्यू आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, कब तक ये कोस्टल रोड जो है मुंबई वासियों के लिए बहुत ही एक रिलीफ देने वाला, लोगों को राहत देने वाला ये प्रकल्प है. जैसे जैसे ये बन रहा है वैसे वैसे उसको ओपनिंग के लिए उसका इंतजार नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों को ये जल्द से जल्द प्रकल्प जो है यूज करने के लिए देना चाहिए. तो आज हाजी अली पॉइंट से लेके बिंदु माधव चौक के 400 मीटर आगे तक ये रोड जुड़ रहा है. अब ये जो रोड है ये सीलिंग तक जुड़ेगा 3 हफ्ते में. तो ये सब जितने भी ट्रैफिक के पॉइंट है ये सब बाईपास हो जाएंगे. अट्रिया मॉल है, बिंदु माधव चौक है आणि अजून एक स्पॉट आहे तिथे लोटस जेटी, तर ते हे सब बायपास हो जाएंगे. तो सीधे लोग ट्रॅव्हल करेंगे सीलिंग से एअरपोर्ट आगे. और इसलिए ये जो आज का है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण एक फेज है, ये जो स्ट्रेच है इससे भी लोगों को काफी राहत मिलेगी. सर अपोजिशन एलिज कर रहा है वर्ली हिट एंड रन केस में, सर वर्ली हिट एंड रन केस में कितना बड़ा गार्डन यहाँ पर. और दूसरी बात है, एक विशेष बात कि यहाँ जो प्रोमिनेंट है वो इतना बड़ा गार्डन बनेगा कि महालक्ष्मी रेसकोर्स 120 एकड़ जमीन कॉरपोरेशन को उन्होंने हैंडओवर की है, वो 120 और ये 180 ऐसे 300 एकड़ जमीन में
वर्ल्ड क्लास मुंबई सेंट्रल पार्क सबवे के साथ जोड़ेंगे हम। तो ये मुंबई में इतना बड़ा गार्डन लोगों के लिए ये पहली बार होता है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और एक हिस्टोरिक ये प्रोजेक्ट होगा। इसका भी फायदा लोगों को होगा क्योंकि मुंबई में मुंबई 24/7 चलती है, थोड़ा तो आराम चाहिए उनको, थोड़ा ऑक्सीजन पार्क चाहिए बड़ा। तो ऑक्सीजन पार्क 300 एकड़ में ये बड़ी अचीवमेंट है, बड़ा प्रकल्प होगा। वर्ली हिट एंड रन केस में, सर वर्ली हिट एंड रन केस में अभी अपोजिशन जो है वो एलिज कर रहा है कि कवर अप करने की कोशिश की कहीं ना कहीं। देखिए अपोजिशन हमेशा आरोप करते रहे, उनके पास आरोप के सिवा दूसरा कोई काम है? हम लोग कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में देख रहे हैं हमारे कितने प्रोजेक्ट शुरू है। कई मुंबई में देखो कितने बड़े प्रोजेक्ट चालू है, मेट्रो के हैं, ये कोस्टल के हैं, अटल सेतु है, ये कारशेड है, ये सब हम कर रहे हैं। ये अपोजिशन को दिखाई नहीं देते। हिट एंड रन में मैंने पहले दिन से इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। पुणे का हिट एंड रन इंसिडेंट हो गया तब से, इस भी ये भी जब हुआ तो मैंने पहले पुलिस कमिश्नर को कहा कि इसमें कोई भी हो कानून के सामने सब बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। और हिट एंड रन में जो दोषी है, जो गुनाहगार है, उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी, उनकी जो भी है कोर्ट की कार्रवाई होगी, पुलिस की कार्रवाई होगी। और जो जो बार है जो देर रात तक चलते हैं, पब है वहाँ पर, और अनैतिक जो कुछ ड्रग्स है ये सब बेचने वाले जो है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करने का आदेश मैंने दिया हुआ है। इस केस में भी किसी को भी बिल्कुल सपोर्ट करना तो दूर की बात है, ये सभी लोग कानून के सामने, कानून के दायरे में एक समान है और इसलिए मैंने ये इंस्ट्रक्शन पहले दिन में दिया है और कार्रवाई आप देख रहे हैं। सर राजेश शाह को आज आपकी पार्टी से निकाला गया, क्यों 4 दिन लग गए उनको पार्टी से निकालते हुए, क्योंकि इतने दिन से तो केस चल ही रहा है, नाम तो सामने आया ही था। देखिए पार्टी से निकालना, इससे जो गुनाहगार है उसके ऊपर कार्रवाई करना, इसको प्राथमिकता देनी चाहिए और जो विक्टिम है उनके उनको सपोर्ट करना ये पहली बात है, वो प्राथमिकता है, उसको प्रायोरिटी देना है, ये पॉलिटिक्स करना है। मैं इतना ही कहूँगा कि कोई भी केस में गवर्नमेंट की तरफ से किसी को भी सपोर्ट नहीं किया जाएगा, किसी को भी मदद नहीं होगी। मेरे इंस्ट्रक्शन आपने देखे, पुणे में भी एक्शन हुई है और यहाँ भी आप देख रहे हैं एक्शन हो रही है, एक्शन होगी, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी इल्लीगल काम करेगा उसको कानून छोड़ेगा नहीं। सर क्या आप मुआवजा देंगे? सर क्या आप मुआवजा देंगे? सर मुआवजा देंगे आप विक्टिम की फैमिली को? उनके फैमिली के साथ हम लोग हैं, हमारे ही परिवार के लोग हैं ऐसा मैं मानता हूँ, और निश्चित रूप से उनको भी जो सपोर्ट चाहिए, कानूनी सपोर्ट चाहिए, उनको आर्थिक सपोर्ट जो भी है वो कम करें। क्या आप अनाउंस करेंगे सर? दिल्ली मुझे महाराष्ट्र का मोटा पुरस्कार जिला जाना है। उनके परिवार को मुख्यमंत्री सहायता निधि से 10 लाख रुपए देंगे, वो हमारे परिवार के लोग हैं और जो भी सपोर्ट उनको लगेगा वो। दिल्ली में महाराष्ट्र का मोटा पुरस्कार मिला है, देश पातळीवरती शेती कृषि क्षेत्र मध्ये महाराष्ट्र पहिला क्रमांक। महाराष्ट्र सरकारला राज्याला एक अतिशय महत्त्वाचा कृषी पुरस्कार प्राप्त मिळालेला आहे, अनाउन्स झालेला आहे की महाराष्ट्रातल्या राज्यातल्या शेतकऱ्यांचा सन्मान आहे, माझ्या सर्व सहकाऱ्यांचा सन्मान आहे, हा संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा सन्मान आहे। कारण शेतकऱ्यांसाठी ज्या योजना आपल्या सरकारने सुरू केल्या, आज कृषी क्षेत्रामध्ये जी आपण प्रगती करतोय, जे शेतकऱ्यांचं जीवनमान उंचवण्यासाठी ज्या योजना आपण केलेल्या आहेत आणि जे मोठ्या प्रमाणावर पर्यावरण समतोल राखणं, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करणं आणि या कृषी विभागामध्ये नवीन नवीन रिफॉर्म्स आणणं हे आपलं सरकार करतंय, त्यामुळे
आजचा पुरस्कार मिळालाय, मी त्यांना धन्यवाद देतो. अर्पण करणार हा पुरस्कार खऱ्या अर्थाने मी मगाशीच म्हणालो की शेतकऱ्यांचा सन्मान आहे, आणि म्हणून हा पुरस्कार मी बळीराजाला समर्पित करणार.